डियर फ्रेंड्स, आज हम स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बायोटेक्नोलॉजी प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड वुमन वेलफेयर। ओके, ये सभी फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी वर्क करेगा। ओके, उसके स्कोप के बारे में आज एक एक करके देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी हैज मेड मार्क कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वेलफेयर इन एरियाज लाइक ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ मीन्स एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन, एनिमल हेल्थ। ओके, एनिमल हेल्थ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। ओके, एग्रीकल्चर में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादातर ज्यादा है। फॉरेस्ट्री के अंदर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, फ्लोरिकल्चर के अंदर। ओके, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्शन के अंदर, डायरी। ओके, गुड क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन के वास्ते भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट में स्पेशली सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट करने के वास्ते भी हम बायोटेक्नोलॉजी के जेनेटिक इंजीनियर्ड माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं। ओके, फिशरीज में, फिशरीज अक्वा कल्चर में भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ओके, अब कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट्स। ओके, एंड उसका टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में कौन से प्रोडक्ट हम अब तक क्रिएट किए। फर्स्ट पॉइंट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स। ओके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स, ह्यूमलिन मीन्स इंसुलिन प्रोडक्शन। ओके, इंसुलिन प्रोडक्शन आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन प्रोड्यूस करें। उससे पहले क्या करते थे बोले तो, जो गाय कौ और पिग्स को स्लॉटर करके उसका पैंक्रियस से इंसुलिन आइसोलेट करके पेशेंट के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते थे। लेकिन अब इंसुलिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम बैक्टीरियल सेल, स्पेशली ईकोलाई सेल्स की मदद से हम मास कल्चर में प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन। ओके, उसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन भी प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज फॉर डिजीज डायग्नोसिस। मोनोक्लोनल मीन्स सिंगल कॉपीज, क्लोन्स मीन्स कॉपीज, सिंगल कॉपीज ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हम कहां पर यूज करते हैं बोले तो, जैसे कि कैंसर जैसा डिजीज का डायग्नोसिस करने के वास्ते हम यूज कर रहे हैं। यहां पर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, सिंगल कॉपीज ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्मेशन यहां पर होता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट पॉइंट, जीन थेरापी टू क्यूर जेनेटिक डिसीजेस लाइक हंटिंगटन, कोरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसा जेनेटिक डिसीजेस को हम जीन थेरापी मीन्स जो डिफेक्टिव जीन रहता है उसे रिमूव करके नया हेल्दी जीन को हम इंट्रोड्यूस करें विद द हेल्प ऑफ जीन थेरापी। ओके, जीन थेरापी टेक्नोलॉजी यूज करके हम जेनेटिक डिसीज को भी क्यूर करें। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ओके, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं उनके यहां पर यूजुअली सलाइवा, जो क्रिमिनल रहता है ना सलाइवा, उसका सलाइवा यूरिन। ओके, सेमेन और टीयर्स। ओके, टीयर्स और हेयर रूट्स, यूरिन, सलाइवा, सेमेन, टीयर्स और हेयर रूट से हम डीएनए सैंपल को आइसोलेट करके हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जरिए हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहां पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बेबीज विथ स्पेसिफाइड सेक्स। ओके, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम स्पेसिफाइड, हमें कौन सा बेबी चाहिए, मेल और फीमेल, स्पेसिफाइड बेबीज भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स। कौन से यहां पर
इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सभी प्रोडक्ट हम फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। फर्मेंटेशन से यूज करेंगे, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे यहां पर। यूजुअली यहां पर फंगा एंड बैक्टीरिया यूज होंगे, फंगा एंड बैक्टीरिया यूज होंगे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ओके, लाइक अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ओके, फॉर यूज इन डिटर्जेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड लेदर इंडस्ट्री के अंदर हम अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एंजाइम्स को यूज करें। ये एंजाइम्स हम फंगाई, फंगाई बैक्टीरिया से आइसोलेट करेंगे, ओके, फंगाई बैक्टीरिया से आइसोलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन यूज बैक्टीरिया, फंगाई एज वेल एज ईस्ट एंड आर्गे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन टू फीड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस, ओके, टू फीड ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। वी कैन प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट एज वेल एज आल्गे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। यूजुअली वी प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम काउ डंग, ओके, काउ डंग बाय फर्मेंटेशन, ओके, बाय फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस मीथेन गैस बाय एज अ बायोफ्यूल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। यूजुअली बैक्टीरिया, फंगाई, वहां पर भी बैक्टीरिया एंड फंगाई यूटिलाइज होंगे। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज टेस्ट ट्यूब बेबीज, ओके, हाउ वी कैन प्रोड्यूस टेस्ट ट्यूब बेबीज इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो बाय यूटिलाइजिंग आईवीएफ एंड ईटी टेक्नोलॉजी, मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड embryo transfer technology by utilizing IVF and ET technology we can produce test tube babies, okay. Next point is production of transgenic animals like mice, pigs, rabbits, chicken, goat, etc. for the human welfare, okay. Next point is cloning of animals. Cloning means copying of same animals. Example is Dolly यहां पर example कौन सा है? Dolly by utilizing a cloning technique we can produce same animals, identical animals by using cloning technology. Example is Dolly. Next technology is environmental biotechnology, okay. In that first point is efficient sewage treatment and deodorization of human excreta, how we can efficiently treat sewage and how we can deodorize the human excreta by we can deodorize and treat efficiently sewage by utilizing a efficient strains of microbes, okay, efficient strains of bacteria or fungi are utilized for the deodorization and efficient treatment of sewage, okay. Next point is detoxification of waste, okay, industrial waste as well as industrial effluents. Here also we can use genetically engineered microbes, okay, genetically modified microbes here we use for the treatment of detoxification of industrial waste as well as industrial effluents, okay. Here also we use genetically engineered microbes, okay. Next point is degradation, okay, degradation of petroleum for degrading petroleum and management of oil spills in ocean or seas by accidentally when oil spills are formed in
ocean or sea, we can use, we can degrade oil spills with the help of Pseudomonas pudica, strains of Pseudomonas pudica. Okay, by utilizing these microorganisms, we can degrade oil spills in sea or oceans. Okay, next technology is plant biotechnology. We can produce clones of crop plants, ornamental plants, medicinal plants, forest plants and orchids with the help of tissue culture. By utilizing tissue culture, we can produce clones or copies of crop plants, ornamental plants, medicinal plants, forest plants and orchids. Okay, next point is production of virus and other pathogen-free plants by utilizing a meristem culture. By utilizing meristematic tissues, we can produce virus and pathogen-free, means bacteria and fungi-free plants by utilizing meristematic tissues or meristematic cells. Okay, next point is production of haploid plants. Okay, here we are using anthers and ovary. Okay, in anther and ovary we can form, it has haploid number of chromosomes. Anther and ovary has haploid number of n number of chromosomes present in anther as well as ovary. By culturing anther and ovary, we can produce haploid plants. Okay, haploid plants. Second point, next point is production of transgenic plants for insect resistant, protection against virus resistance, herbicide resistance and improved storage of proteins. Okay, protein storage, improved crops we can produce by genetic engineering. By utilizing a genetic engineering, we can use a bacterium Bacillus thuringiensis. Okay, in that we are using TI plasmid, tumor inducing plasmid. Okay, tumor inducing plasmid, with the help of tumor inducing plasmid, we are manipulating genes of crops. Okay, usually we are introducing insect resistant genes and virus, herbicide as well as protein. Okay, we are introducing insect, virus and herbicide resistant genes in crops. Okay, by using TI plasmids. Okay, by using TI plasmid, tumor inducing plasmid. Okay, it is present in Bacillus thuringiensis bacterium. Okay, it will cause tumors to plants or cancer to plants. Okay, next point is germplasm conservation. Okay, through cryopreservation we can conserve germplasm in minus 195 degree Celsius temperature, we can conserve germplasm. Okay, next biotechnology is marine biotechnology. Here we are producing transgenic genes by gene transfer technique. Okay, here we can produce transgenic fishes by utilizing gene transfer technology. Next point is freeze resistance fish by utilizing a rDNA technology. Here we are introducing freeze resistant gene. We are introducing freeze resistant gene in fish. Okay, which produce freeze resistant protein to tackle with cold climate. Okay, it shows that biotechnology has unlimited scope and it has
मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस एरिया, ओके, एंड इट चेंजिंग अवर लाइफ्स एज वेल एज अवर सोसाइटी, ओके. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.